नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में अब जमीनों के साथ साथ लोगों की भी रजिस्ट्री होगी। सुनकर आप शायद हैरान हो गए होंगे, लेकिन आपको बता दें कि सोशल रजिस्ट्री योजना के तहत अब ये कार्य किया जाएगा। बता दें आपको कि ये सोशल रजिस्ट्री योजना क्या है, अब आपको इस वीडियो में बताते हैं। बिहार के लोगों की भी अब रजिस्ट्री की जाएगी। नीतीश सरकार पहली बार सोशल रजिस्ट्री योजना लेकर आई है। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। इसके तहत बिहार के लोगों का अब ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। हर परिवार और उसके सदस्यों का यूनिक नंबर यानी कि आईडी बनेगा। इसी के जरिए उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। दरअसल बिहार सरकार ये जानकारी लेना चाहती है कि उनकी तरफ से सूबे के अंदर जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ कितने लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार ने ये योजना बनाई है कि अब राज्य के अंदर हर एक परिवार का एक यूनिक नंबर यानी कि उसकी आईडी बनेगी। इससे सरकार ये ट्रैक कर सकेगी कि कौन कौन सा व्यक्ति किस योजना का कितना लाभ उठा रहा है। साथ ही नागरिकों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ देने में आसानी होगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि आम नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसके तहत लाभुकों को एक नंबर मिलेगा। इसके माध्यम से ही वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। लोगों को एकीकृत पोर्टल से लोक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिहार वन तैयार होगा। आम नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं की पात्रता एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। बिहार वन पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को सिंगल साइन ऑन सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन करने में सुविधा होगी। एक परिवार और उसके हर सदस्य को अलग अलग आईडी दी जाएगी। इसके बाद छात्रवृत्ति, पेंशन और विभिन्न सब्सिडी सहित सभी सरकारी लाभों को इसके माध्यम से भेजा जाएगा। एक बार परिवार और सदस्य आईडी तैयार हो जाने और सत्यापित हो जाने के बाद योजनाओं का फायदा तेजी से मिल सकेगा। साथ ही इसमें फर्जीवाड़े और दोहराव की गुंजाइश भी नहीं होगी। इसके अलावे आदमी को एक सरकारी योजना का एक ही लाभ मिल सकेगा, क्योंकि उसकी लॉगिन आईडी में सभी योजनाओं की पूरी जानकारी रहेगी। इधर सोशल रजिस्ट्री का आम नागरिकों को भी खासा फायदा होने वाला है। एक आईडी बनने के बाद लोग अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। साथ ही अलग अलग योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें बार बार दस्तावेज नहीं जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के पास उस परिवार और व्यक्ति का पूरा डेटाबेस होगा। तो बता दें आपको कि अब हर परिवार का एक यूनिक आईडी होगा, जिसके माध्यम से उन्हें सरकारी लाभ मिल रहा है या नहीं, इन सभी की जांच जो है वो अच्छी तरह से की जा सकेगी। बहुत ऐसे परिवार हैं जिनकी जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में इन सभी को चिन्हित किया जाएगा। और आपको बता दें कि जिन्हें ये लाभ नहीं मिल रहा है और इसके एवज में कोई अन्य परिवार जो है जो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं उन्हें ये लाभ मिल रहा है, तो इन सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा और एक डेटाबेस तैयार होगा। क्योंकि सरकारी योजनाएं मिल तो रही है, लेकिन वो सही तरीके से उन तक पहुंच पा रही है या नहीं, सही ये सभी चीजें उसमें समाहित होगी। क्योंकि आईडी कार्ड से ये सारे जो लोग होंगे वो चिन्हित हो जाएंगे और सरकारी योजनाओं तक जो है वो बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। इसको लेकर बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें आपको कि कल की कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी भी मिल गई है और अभी ये कार्य जो है अब सुचारू रूप से चालू कर दिए जाएंगे। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें NBC 24 के साथ।